लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टेलर के बारे में, इस लेक्चर में हम देखेंगे हेनरी फ्योल के बारे में। मैं बताते चलें कि जो टेलर हैं, हेनरी फ्योल हैं और लूथर कुलिक पुरविक हैं, ये लोग क्लासिकल थ्योरिस्ट हैं। क्लासिकल कहने का मतलब एवरग्रीन, या जिसको पहले भी पढ़ा जा चुका हो और जिनके आइडियाज हम आज के ज़माने में भी इम्प्लीमेंट करते हैं, वो क्लासिकल होते हैं। तो हेनरी फ्योल को शुरू करने से पहले ये बात जाननी हमें होगी कि इनके जो आइडियाज़ हैं वो टेलर के आइडियाज़ के बाद आते हैं। लेकिन एक इनका बुक था जो कि ये फ्रेंच में लिखा गया था, वो बुक टेलर के समकालीन ही है। तो जब उसका अनुवाद हुआ, जो अनुवाद उसका हुआ 1929 में और 1949 में, वो था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो वो जो बुक का जो ट्रांसलेशन था उसके चलते इनको जो पॉपुलैरिटी मिली वो बाद में मिली। तो ऐसा देखा जाता है, बहुत सारे थ्योरिस्ट कहते हैं कि ओरिजिनल अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट का अगर कोई एक तरह से कंटेम्पोररी है, एक तरह से फाउंडर है, तो वो टेलर के साथ साथ फेयल भी हैं। तो देखते हैं अभी फेयल के बारे में। फेयल की जो थ्योरी है वो मेनली है मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल, ठीक है। जैसे टेलर को हम लोग बोलते हैं कि टेलर इज फादर ऑफ या फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट, वैसे ही फेयल के अगर हम लोग रिलेटेड बात करें तो हम लोग बोलेंगे कि फेयल मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल के फाउंडर हैं। अब ये जो वर्ड आता है मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल, इसका एक ही मीनिंग है, देखिए मैं बताता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में आपको पढ़ने को मिलेगा ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सेम है ट्रेडिशनल थ्योरी, ये भी वही चीज़ है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मैकेनिस्टिक थ्योरी, स्ट्रक्चरल थ्योरी और मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल, ये सारे वर्ड के मीनिंग एक ही है। यानी कि इनको सिनोनिमस आप एक दूसरे के वर्ड के रूप में एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी जो है वो एक क्लासिकल थ्योरी का पार्ट है, और उसमें जो मेनली कंट्रीब्यूटर्स हैं उसके फेयल हैं, गुलिक हैं और उर्विक हैं। आप देखेंगे कि गुलिक उर्विक के जो प्रिंसिपल हैं, कोऑर्डिनेशन, कमांड, हायरार्की, और फेयल के जो प्रिंसिपल दिए गए हैं, जो 14 प्रिंसिपल हैं, ये आपको दूसरे को एकदम मिलते जुलते दिखेंगे। इवन गुलिक और उर्विक थे जो इंस्पायर्ड थे इन्हीं के आइडिया से। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो है ये बेसिकली दो ही राइटर, तीन राइटर ने दी है, फेयल, गुलिक और उर्विक। यहाँ हम टेलर को शामिल इसलिए नहीं कर रहे हैं, बिलीव करते थे जो शॉप फ्लोर लेवल पे वहाँ जो ओरिजिनल वर्क होता था वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बिलीव करते थे। यहाँ फेयल और गुलिक उर्विक यहाँ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट में कैसे फंक्शन करता है उस पर ये लोग ध्यान दे रहे हैं। ये लोग फंक्शनलिस्ट हैं, ये लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका आइडिया बना रहे हैं। अब इनके कुछ बेसिक्स के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म कुछ कुछ बुक में दिया होगा आपको फ्रांस, लेकिन इनका जन्म इस्तांबुल टर्की में हुआ था 1841 में। इन्हें माइनिंग इंजीनियरिंग में ये ग्रेजुएटेड हैं, इनको डिग्री प्राप्त हुई है। मेटलर्जी के फील्ड में इन्होंने काफ़ी शोध किया था जिसके बाद इन्हें नोबल प्राइज भी मिला, लेकिन आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी इनके कार्य को आप सराहनीय बोल सकते हैं। तो 1807 में ये माइनिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं एज ए इंजीनियर, और 1888 में उसी कंपनी में ये मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाते हैं। 1918 में ये रिटायरमेंट होता है इनका, और उसके बाद ये उस कंपनी के, सेम कंपनी के डायरेक्टर के रूप में काम करते हैं, कब तक, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो जाती 1925 में। इनके टेनियर के दौरान जो कंपनी था वो बैंकरप्सी के दौर से गुजर रहा था, और वो बैंकरप्सी से एक फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ ले जाते हैं अपने हेनरी फेयल। और इसी पे उर्विक बोलते हैं कि जो इनका समय था, जो इनका काल था, जो पीरियड में ये टेनियर में काम किए थे, इट वॉज रोमेंसेज ऑफ फ्रेंच इंडस्ट्रियल हिस्ट्री। ये वर्ड दिया गया है उर्विक द्वारा हेनरी फेयल के कार्यकाल को लेकर। और उनके बुक के तुम्हारे में बता ही दिया मैंने कि वो पब्लिश हुआ था पहले, लेकिन बाद में उसका ट्रांसलेशन हुआ जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के तौर पे। तो इसीलिए इनका जो पॉपुलैरिटी है ये बाद में लोगों को पता चला। चलते हैं आगे, आगे देखेंगे कि हम लोग का फेयल के कंट्रीब्यूशंस क्या हैं। जो जो टेलर थे वो लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस करते थे, और जो फेयल है ये पूरे मैनेजमेंट कैसे प्रोसेस करता है उस पर फोकस है। तो एक तरह से बोला जाए कि टेलर की जो फिलोसफी थी या टेलर का जो अप्रोच था वो बॉटम अप अप्रोच था, लेकिन फेयल का मॉडल यहाँ पे जो है वो टॉप डाउन है, यानी कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव से लेके वो नीचे की तरफ आता है। ये टेल जो फेयल है ये कंसर्न है एक जनरल प्रिंसिपल तैयार करने में कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी, उसके हम लोग एक प्रिंसिपल तैयार करते हैं और उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर मैनेजर्स काम करें तो वो अपने गोल्स को, प्री डिसाइडेड गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो फेयल का यही कंसेप्शन था।
फ्यूल, जहां तक कि मैंने बताया कि माइनिंग इंजीनियर थे और इनको मेटलर्जी के फील्ड में इनको रिसर्च करने से नोबेल प्राइज हुआ था। इनका जो बुक आया था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 में आया था, और जो भी स्ट्रक्चर और फंक्शन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उसके लिए ये एक तरह से प्राइमरी बुक था। तो जैसे टेलर बोलते हैं कि रूल ऑफ थंब को हमें हटाना है, तो वो रूल ऑफ थंब बोलते हैं प्रोसेस से, इंटायर प्रैक्टिकल प्रोसेस में जो काम चल रहा है उसे रूल ऑफ थंब को हटाना है। फेल भी यही बात बोलते हैं कि हमें रूल ऑफ थंब को हटाना है, लेकिन कहाँ से? इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में जो एनार्की है, जो पोजिशन किसी के फिक्स्ड नहीं है, कौन ऑर्डर दे रहा है, कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कौन कमांड करेगा, हायरार्की कैसे रहेगी, ये जो प्रोसेस है, इंटायर प्रोसेस है मैनेजमेंट का, इसके फील्ड में बोलते हैं कि रूल ऑफ थंब काम नहीं करना चाहिए। तो 1949 और 29 में इनकी बुक पब्लिश होती है और उनकी पॉपुलैरिटी मिलती है। गुलिक और रूबिक को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन उनका एक जो पेपर था, पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 1937 में वो लोग लिखा था। तो फेवल के जो बुक थे उनसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कॉपी की थी, कॉपी क्या की थी, उनसे प्रभावित हुए थे और उठाया था। इसीलिए बोलते हैं कि फेवल जो है ये फाउंडर हैं मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल के, और मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल में गुलिक, गुलविक और उर्विक भी आते हैं। तो उर्विक और गुलिक को आप इनके फॉलोअर एक तरह से बोल सकते हैं, और इनको आप फादर या फाउंडर बोल सकते हैं। चलते हैं आगे। अगला है एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट डाइकोटोमी। अब तो हमने देख लिया था एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स डाइकोटोमी, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट डाइकोटोमी, इसका क्या मतलब क्या है समझते हैं। जो फियल की ओरिजिनल बुक थी जो फ्रेंच में लिखी गई थी, वो वहां पे मैनेजमेंट वर्ड का प्रयोग नहीं था, वहां पे जो एक्चुअल वर्ड था वो एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड का प्रयोग किया गया था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो बुक है जो लिखी गई है ओरिजिनल, वो है एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरले, ये फ्रेंच है, ठीक है। और इसी बुक का जो ट्रांसलेशन हुआ था, ये हुआ था जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के रूप में। तो ये दोनों बुक अलग था। तो इस दोनों अगर बुक के टाइटल को देखें तो यहाँ एक वर्ड आपको दिखता है एडमिनिस्ट्रेशन, और नीचे वर्ड दिखता है आपको मैनेजमेंट, ठीक है। तो जिसने इसका अनुवाद किया उसने एडमिनिस्ट्रेशन को हटा के मैनेजमेंट घुसेड़ दिया। तो इसी से बहुत सारी समस्याएं आगे खड़ी होगी, बहुत सारे समस्याएं नहीं खड़ी हुई, बहुत सारे थ्योरिस्ट थे, उनके अलग अलग विचार हो गए। उसी विचार को हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट डाइकोटोमी से। थोड़ा बेसिक्स समझने के लिए ये जरूरी है कि क्यों कैसे हुआ। तो फेल जो वर्ड यूज करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन का बुक कर, अपने बुक में इस वर्ड का यूज करते हैं और उसको ट्रांसलेट किया जाता है मैनेजमेंट में। और वो ये बताते हैं कि कोई भी डिफरेंस नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में। जहां भी एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी वहां मैनेजमेंट का रोल होगा पहले, यानी मैनेजमेंट को अहमियत दे रहे हो कि जहां भी एडमिनिस्ट्रेशन, जहां भी किसी भी सिस्टम में अगर एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की जरूरत है, वहां मैनेजमेंट होगा ही होगा। यानी कि मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है इरिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे डेवलपिंग कंट्री हो सकता है, डेवलप कंट्री हो सकता है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। तो कॉन्टेक्स्ट बहुत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल चीज है, यूनिवर्सल थ्योरी है और यूनिवर्सल एक्टिविटी है, इसको कहीं भी ना कहीं अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, मैनेजमेंट को हम लोग लेते हैं पब्लिक प्राइवेट इंटरप्राइजेज के रूप में। जो प्राइवेट अगर कंपनी काम करती है तो उसके जो अंदर जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। लेकिन फेल का मानना था कि जहां भी एडमिनिस्ट्रेशन की गुंजाइश है वहां मैनेजमेंट होगा ही होगा। और आगे देखते हैं फेल एज फंक्शनलिस्ट, ठीक है। अभी आपको एक वर्ड समझना होगा कि फंक्शनलिस्ट क्या है, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दो तरह के वर्ड आते हैं, एक है स्ट्रक्चरलिस्ट और एक है फंक्शनलिस्ट। स्ट्रक्चरलिस्ट कौन है, जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं, कहाँ किस पोजीशन पे कौन रहेगा, किस पोजीशन पे कौन काम करेगा, वो स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। फंक्शनलिस्ट क्या रहता है कि वो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन पे ध्यान देता है, उसका फोकस रहता है फंक्शन पे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आप थाने को अगर जाओ, और थाना इन द सेंस पुलिस स्टेशन को जाओ, सामने से देखो, तो एक फंक्शनलिस्ट क्या सोचे, एक स्ट्रक्चरलिस्ट क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि ये एक घर है, ठीक है। उस घर के अंदर मुझे एक इंस्पेक्टर दिख रहा है, एक सब इंस्पेक्टर दिख रहा है, एक हवलदार दिख रहा है, कुछ पुलिस वाले दिख रहे हैं, और कुछ जेल टाइप का दिख रहा है, हथकड़ियाँ दिख रही हैं। ये जो थिंकिंग है ये है स्ट्रक्चरलिस्ट का थिंकिंग। फंक्शनलिस्ट का क्या थिंकिंग है
कि ये एक मीडियम है जिसके थ्रू क्राइम कंट्रोल किया जा सकता है, जिसके थ्रू गश्त लगाई जाती है, जिसके थ्रू क्रिमिनल्स को कंट्रोल किया जाता है, समाज में क्राइम को कंट्रोल किया जाता है। यानी कि एक एक व्यक्ति उसी पुलिस थाने को एज ए स्ट्रक्चर के रूप में देख रहा है, एक व्यक्ति उसको एज ए फंक्शन के रूप में देख रहा है। तो वही फेयोल थे, फेयोल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए फेयोल को फंक्शनलिस्ट कहा जाता है। वो बोलते हैं कि जो भी आइडियल स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो फंक्शन, अगर आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन शुड बी इन रेशनल मैनर, रेशनल मैनर में वो परफॉर्मेंस होना चाहिए। और वो इस बात से, मतलब एक तरह से शुरू में वो इस बात से प्रभावित थे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हमें एक रोबोस्ट, एक तरह का मैनेजमेंट थ्योरी अवेलेबल नहीं है, हमें एक मैनेजमेंट थ्योरी डेवलप करना है। जैसे फेवल आते हैं, टेलर आते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि कोई भी रूल ऑफ थंब है, कोई भी प्रैक्टिकल काम करने का कोई भी थ्योरी एक तरह से डेवलप नहीं है। फेवल का कंसर्न क्या था कि कोई भी मैनेजमेंट का, जनरल मैनेजमेंट का थ्योरी डेवलप नहीं है और इसी थ्योरी को हमें डेवलप करना है, इसमें हमें रेशनैलिटी लाना है। इससे क्या होगा कि कोई भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन वो अपना गोल्स को अचीव कर पाएगा अगर इस प्रिंसिपल को वो अपना ले तो। ठीक है, तो इनका कंसर्न यही है कि कोई भी सिंगल डॉक्ट्रिन नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, इसीलिए जो बिजनेस हैं और स्टेट हैं वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे हैं, और जिससे चलते उनका जो आउटपुट है वो बहुत कम है। और मैं एक ऐसे प्रोसेस को डेवलप करूंगा, प्रिंसिपल को डेवलप करूंगा, जिसके चलते हर जगह इफिशियंसी आएगी और सिस्टम सही से काम करेगा। अब वो 6 इसेंशियल फंक्शंस देखते हैं, किसी भी आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन के 6 फंक्शंस देखते हैं। अच्छा, मैंने वर्ड क्यों यूज किया आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम फॉर्म करते हैं तो वो किसी न किसी पर्पस के लिए फॉर्म किया जाता है। आर्टिफिशियल इन द सेंस कि वो नेचुरली कोई बन नहीं किया है, वो हम लोग डेलिब्रेटली उसको क्रिएट किए हैं ताकि हमारा पर्पस सॉल्व हो सके। जैसे हमने रेलवे बनाया तो ट्रांसपोर्टेशन का पर्पस सॉल्व हो, तो ये डेलिब्रेटली क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए मैंने इस वर्ड को प्रयोग किया। तो फेयोल कहते हैं कि कोई भी आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ 6 तरह के फंक्शन होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है टेक्निकल फंक्शन, उसके बाद होता है कमर्शियल फंक्शन, उसके बाद होता है फाइनेंशियल फंक्शन, अकाउंटिंग फंक्शन, सिक्योरिटी का फंक्शन, और एक तरह से मैनेजरियल फंक्शन होता है। यानी कि ये टोटल 6 फंक्शन कैरी आउट किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। फेवल बोलते हैं कि बाकी जो सारे फंक्शन है अपार्ट फ्रॉम मैनेजरियल फंक्शन, इसको आप लोग आइसोलेशन में कैरी आउट कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे, अगर सिक्योरिटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो गेट पे वॉचमैन है, अंदर क्या जॉब चल रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कौन कोड बना रहा है, कौन डिकोड कर रहा है, कौन सॉफ्टवेयर बना रहा है, इससे उसको कोई मतलब है? सिक्योरिटी का काम वो आइसोलेशन में कर सकता है, वो एक आइसोलेटेड एंटिटी है। वैसे ही टेक्निकल फंक्शन, टेक्नोक्रेट अपना आइसोलेशन में काम कर सकते हैं, लेकिन जो मैनेजरियल फंक्शन है या जिसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में बोल सकते हो, उसको आइसोलेशन में आप नहीं कर सकते। यानी कि उसका कंसर्न हर जगह है। एक मैनेजर है, वो सिक्योरिटी से भी कंसर्न है, टेक्निकल चीजों से भी कंसर्न है, कमर्शियल फंक्शन से भी कंसर्न है, यानी कि सारे चीजों से कंसर्न है मैनेजरियल फंक्शन। तो वो इसको सबसे टॉप पे रखते हैं और जो बोलते हैं कि अभी के बाद मैं प्रिंसिपल बनाऊंगा, जो भी मैं काम करूंगा वो मैनेजरियल फंक्शन के लिए होगा। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए वो जो भी करेंगे, अभी के बाद जो प्रिंसिपल देंगे वो कंसर्न है केवल मैनेजरियल फंक्शन से। यानी कि 5 चीजों को उन्होंने साइड में छोड़ दिया और वो केवल मैनेजरियल फंक्शन पे अब फोकस करने लगे। अब वो बताते हैं कि मैनेजर्स के जो फंक्शन है उनको एक एक्रोनिम देते हैं, POCCC। ठीक है, पी का मतलब होता है प्लानिंग, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग, सी का मतलब है कमांडिंग, फिर सी का मतलब कोऑर्डिनेटिंग, फिर सी का मतलब कंट्रोलिंग, POCCC। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम लोग अभी फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल फंक्शन होता क्या है। चलते हैं आगे। इसमें सबसे पहला फंक्शन है टेक्निकल फंक्शन। टेक्निकल फंक्शंस में क्या क्या आते हैं? प्रोडक्शन है, दूसरा है इसमें मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद हो सकता है अडेप्टेशन, टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स, ये सारे एक तरह से टेक्निकल फंक्शन है। कमर्शियल फंक्शंस क्या हो सकते हैं? बाइंग, सेलिंग, एक्सचेंज, ये सब तरह के जो फंक्शन है ये कमर्शियल फंक्शन है। फाइनेंशियल फंक्शंस क्या हो सकते हैं? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या है कि बजटिंग होगा, एलोकेशन होगा,
ठीक है, फंड का एलोकेशन होगा। तो ये तरह ये जो चीजें हैं ये फाइनेंशियल फंक्शन है। अकाउंटिंग फंक्शंस क्या हो सकते हैं, जैसे बैलेंस शीट हो गया, इन्वेंट्री हो गया, इन्वेंट्री कहने का मतलब जो भी आइटम्स हैं उनका स्टॉक, एक तरह से स्टैटिक हो गया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो गया, ये सारे अकाउंटिंग फंक्शन है। सिक्योरिटी में क्या आ गया, इंश्योरेंस आ गया, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी आ गया, पर्सन्स आ गया, जो भी गेट पे अगर चौकीदार काम करता है, तो ये सारे सिक्योरिटी फंक्शन है। फिर वो बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल फंक्शन। ये वो बताते हैं कि एक सेट ऑफ फंक्शंस रहता है जिसको आप लोग किसी भी कॉन्टेक्स्ट में या किसी भी जगह पे आप उसको उपयोग कर सकते हो। मैनेजरियल फंक्शन है जो कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में आप लगा सकते हो, वेदर पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, फायर डिपार्टमेंट हो गया, या पब्लिक सेक्टर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया। वो बोलते हैं कि जो मैनेजर्स का फंक्शन है वो एक तरह का सेम फंक्शन है। वो ये भी बताते हैं कि जो मैनेजरियल फंक्शन है वो मेनली कंसंट्रेटेड है ऑन द टॉप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो भी मैनेजरियल फंक्शन है वो ऊंचे अहदे पे ज्यादातर ये जिसको रखा गया है। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं कि इस फंक्शन में जो मैनेजर्स के फंक्शन है वो बेसिकली जो POCCC मैंने बताया था उसी का एक्सप्लेनेशन है। और POCCC का मतलब क्या होता है, सबसे पहले है प्लानिंग, और इसको बोलते हैं प्रिवायंस और प्रिवायर। ये प्लानिंग का जो फ्रेंच में मतलब है, ये फ्रेंच टेक्स्ट है इसलिए प्रिवायंस भी बोला जाता है। ठीक है, प्लानिंग को बोला जाता है कि ये आर्म चेयर अप्रोच नहीं है। ठीक है, आर्म चेयर अप्रोच मतलब आप एक ऑफिस में आइसोलेशन में बैठे हो, उस तरह का ये अप्रोच नहीं है। एक जो जो प्लानर है या जो एग्जीक्यूटिव है जो प्लान डिराइव करता है उसको बैठ के कोई प्लानिंग नहीं कर सकता, यानी कि उसको फील्ड का पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्लानिंग क्या है, एक तरह से प्लानिंग का मतलब होता है टू फोरसी, भविष्य को देखना और उसके अनुसार एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना, एक कोर्स ऑफ एक्शन बनाना है। तो वो बोलते हैं कि बैठे बैठे ऑफिस में ये कोर्स ऑफ एक्शन नहीं बनाया जा सकता। इसमें एक एक तो जो प्लानर है उसको ग्राउंड रियलिटी का पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरे कि उसके अंदर एक एंटिसिपेशन होना चाहिए कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, उसके पास फोरसाइट होना चाहिए, भविष्य को देखने की शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लानिंग का मतलब जस्ट नहीं है कि एक कोर्स ऑफ एक्शन तैयार कर देना, प्लानिंग का ये भी मतलब है कि एक प्लान बी भी तैयार रखना कि अगर इस केस में मैं फेल हो गया, कोई मैनेजर फेल हो गया तो उसे क्या करना चाहिए, तो ही मस्ट इंक्लूड प्लान बी। एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि रूरल डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, और हो सकता है कि मान लो रोड बन रहा है उसमें कोई कंफ्लिक्ट आ गया विलेजर्स के साथ, तो मैनेजर को ये पहले से जब प्लान बना रहा है उसी समय ये दिमाग में रखना चाहिए कि अगर एनकाउंटर होगा पब्लिक के साथ अगर इस प्लान के इम्प्लीमेंटेशन में, तो मैं दोबारा क्या दूसरा क्या एक्शन ले सकता हूँ। तो प्लानिंग में प्लान बी भी एक प्लानर के दिमाग में होना चाहिए, यानी कि जो प्लान कर रहा है, जो मैनेजर ये फंक्शन कर रहा है उसके अनुसार उसके दिमाग में प्लान बी भी होना चाहिए। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब अगर सीधे शब्द में बोला जाए तो ये होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, जिसको बहुत तरह से देख सकते हैं, एलोकेशन ऑफ मैन पावर, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, ये सारे ऑर्गेनाइजिंग में ही आते हैं। उसके बाद इसका ये मतलब हो सकता है फॉर्मुलेशन ऑफ क्लियर प्रिसाइज एंड डिस्टिंक्ट रोल एंड ड्यूटीज। जो भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आपको आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है, उस बॉन्ड में क्या लिखा रहता है कि आपके रूल्स रेगुलेशन क्या है कंपनी के, क्या आपकी ड्यूटीज हैं, तो एक तरह से एग्रीमेंट जो हुआ वो एक तरह से फॉर्मुलेट करना, ये भी ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसका फॉर्मुलेशन ये ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है और ये ड्यूटी है मैनेजर्स की। उसके बाद है हार्मोनाइज एक्टिविटी एंड कोऑर्डिनेट एफर्ट। जो कोऑर्डिनेशन मैंने समझाया था लास्ट लेक्चर में उसको बताया था कि कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि जो भी दो काम हो वो अल्टीमेट जो गोल है उसको ध्यान में रख के वो दो काम होना चाहिए साथ साथ, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। वो मैं आगे भी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा क्या है। तो हार्मोनाइज जो एक्टिविटीज है वो हार्मोनाइज वे में होनी चाहिए, ये ऑर्गेनाइजिंग का ये दूसरा एक तरह से डिफिनेशन होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये भी होता है कि एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हो और वो हमेशा जो भी इम्प्लीमेंटेशन है प्लान का वो देखता रहे, तो ये भी ऑर्गेनाइजिंग का ही एक तरह से पार्ट है। चलते हैं आगे, अगला है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट। ठीक है, अब ये सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट लाने के लिए आपको विलिंगनेस और मोटिवेशन भी बढ़ाना होगा, तो कोऑर्डिनेशन में ये भी आता है। अब बोलोगे कि विलिंगनेस और मोटिवेशन क्यों चाहिए, अब जब तक विलिंगनेस होगा ही नहीं, मोटिवेशन होगा नहीं, तो कोई काम करेगा ही नहीं, तो कोऑर्डिनेशन कहाँ से आएगा। इसीलिए ये एक तरह का की फैक्टर है।
और सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट क्या है, मतलब कोऑर्डिनेशन को अगर बोला जाए तो वो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट है। अब इसको एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए रात का खाना बनना है, डिनर, ठीक है, और उसमें क्या है कि एक लॉज में तीन लड़के रहते हैं, तो हो सकता है कि एक लड़का बर्तन साफ कर रहा हो, एक लड़का आटा गूंद रहा हो, एक लड़का सब्जी काट रहा हो। वन मेन एम क्या है, मान लीजिए इसको ऑर्गेनाइजेशन समझ लें, तो ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम है कि रात का खाना बनाना, ठीक है, लेकिन एफर्ट तीनों के अलग अलग हैं, लेकिन वो एफर्ट किस वे में जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो आ गया है इसी से आप समझ लीजिए, यानी कि उनका जो डायरेक्शन है वो एक ही वे में है, ठीक है, वो कम काम क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, एक आटा सान रहा है, तब तक एक सब्जी काट रहा है, एक बर्तन धो रहा है, अल्टीमेट गोल खाना बनाना। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का जो अल्टीमेट गोल है उसको फुलफिल करने के लिए कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। कोऑर्डिनेशन इज द सिंक्रोनाइजेशन और एफर्ट, और ये कौन करेगा, तो मैनेजर करेगा। आगे चलते हैं, वो है कमांड। कमांड जो है एक तरह का आदेश देना, जिसको हिंदी में बोलिए, लेकिन अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे कि इसमें एक एलिमेंट ऑफ कोअर्शन है। नया शब्द आ गया, कोअर्शन का मतलब क्या होता है कि आप किसी के मन के बगैर आप किसी को कुछ काम करने पर मजबूर करते हैं, तो वो बोलते हैं एलिमेंट ऑफ कोअर्शन है, ठीक है। यानी किसी आपको आप डांट के बोलो कि ये काम करना है, तो आप एक तरह से कोअर्शन एक्सरसाइज कर रहे हो, उसका मन नहीं है, उसके मन की कॉन्ट्रेरी, उसके इंटरेस्ट के कॉन्ट्रेरी आप काम करा रहे हो। कमांड में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। अब जैसे कोई आपका सुपीरियर बॉस बोल रहा है आपको किसी काम करने पे, लेकिन आपके इंटरेस्ट में नहीं है, लेकिन आप फिर भी वो काम करते हो, ठीक है, तो उसमें एलिमेंट ऑफ कोअर्शन है, पहला चीज। दूसरा, कमांड का मतलब है एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, यानी कि अथॉरिटी क्या है, एक तरह से लेजिटिमेसी है, जो ऊपर आपसे ऊपर जो बॉस बोल है बैठा है उसके पास लेजिटिमेसी है कि वो अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। वो जब अथॉरिटी को अपने एक्सरसाइज करता है, अपने पावर को एक्सरसाइज करता है, तो बोलते हैं ये कमांडिंग कर रहा है, कमांडिंग पोस्ट पे है, ठीक है। तो ये क्यों करता है, इसलिए करता है कि आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशन से आप कॉम्पिटेंस, अपना कॉम्पिटेंस साबित करो, ठीक है। तो आप रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार चलो, इसलिए सामने वाला आदमी कमांड करता है। कमांड का दूसरा एम ये भी रहता है कि जो इमीडिएट जो गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, या जो इमीडिएट एम है, वो भी फुलफिल हो जाए कमांड के थ्रू, ठीक है। तो जो मैनेजर्स हैं वो कॉम्पिटेंट हैं, स्किल हैं, वो अपने सबॉर्डिनेट के बारे में सही से जानते हैं, वो इस काम को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कमांड ही रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है, ठीक है। अगर हम आपको काम देंगे तो आप अकाउंटेबल हो जाओगे, उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, ठीक है। तो ये आइडिया ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के सिनोनिमस है एक तरह से कमांड। अब कमांड का मैंने मतलब समझा दिया, तो बेसिक है यही एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी कैसे लाइन में है, वो तो मैंने एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से आपको बता दिया, आप जब उसको डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। तो ये कमांड हो गया। आगे चलते हैं कंट्रोल। अभी कंट्रोल का मतलब क्या है, जैसे कोई बोलता है कि तुम उसके कंट्रोल में नहीं हो, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब सामने वाले ने कुछ डिजायर्ड किया है कि तुमको ऐसे एक्ट करना है, अगर तुम उस तरह से एक्ट नहीं कर रहे हो तो लोग बोलते हैं कि तुम कंट्रोल में नहीं हो, आपे से बाहर हो। तो कंट्रोल का मतलब क्या है कि ये इट इंश्योर्स कन्फर्मिटी विद द प्लान एंड डायरेक्शन, ठीक है। कंट्रोल को इफेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए, सैंक्शन होना चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए, सस्पेंशन होना चाहिए। अगर ये डर ना हो तो कंट्रोल सही से एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा, यानी कि आप प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाएंगे। जब आप प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो उसका मतलब है कि आप कंट्रोल में हैं, अगर प्लान से बाहर जाते हैं तो उसको इफेक्टिव आपको कंट्रोल करने के लिए सैंक्शंस की जरूरत है। सैंक्शंस का मतलब हो सकता है पनिशमेंट, सस्पेंड हो जाना, डिसमिस कर देना सर्विस से, या पे काट लेना, ये सब चीज़ें अगर टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिससे कि कंट्रोल को एक्सरसाइज किया जा सकता है। अब दो तरह की कंट्रोल होती है, एक है फैक्ट बेस्ड कंट्रोल और दूसरा है मैन कंट्रोल। थोड़ा ध्यान से सुनिए, फैक्ट बेस्ड कंट्रोल क्या है, सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कहने का मतलब आग लग गई तो आपको पानी बुझाना है, भले कोई मैनेजर बोले या ना बोले, ये फैक्ट बेस्ड कंट्रोल है। अगर कोई कस्टमर केयर में या कोई भी आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, उसके पास कोई टिकट आता है, कंप्लेंट आता है, तो ये क्या है, उसको रिजोल्व करना है, वो फैक्ट बेस्ड कंट्रोल है, ठीक है। यानी कि सिचुएशन के अनुसार उस आदमी को काम करना है, वो है फैक्ट बेस्ड कंट्रोल। दूसरा है मैन कंट्रोल। मैन कंट्रोल इस बात को बोलता है कि जो भी पावर है या जो भी अथॉरिटी है वो किसी पोजिशन में रिसाइड करती है, ठीक है, और जो भी पावर होल्ड करता है उसी को, उस पावर को,
उस ऑथोरिटी को एक्सरसाइज करने की जरूरत है। और ये जो एक्सरसाइज है पावर का, ये टॉप टू बॉटम आता है, यानी कि मैन कंट्रोल करता है कि तुम फैक्ट के आधार पर काम नहीं करो, तुमको जो सुपरवाइजर तुम्हारा इमीडिएट सीनियर या तुम्हारा बॉस बोलता है उसी के अनुसार काम करो। तो ये मानता है अथॉरिटी ऑफ सुपीरियर, यानी सुपीरियर जो बोलता है उसके अनुसार काम करना। फैक्ट बेस्ड कंट्रोल क्या बोलता है कि जो सिचुएशन है उसके अनुसार काम करना, ठीक है। अब पनिशमेंट जो है वो बेस्ड है, जो सैंक्शन हम देते हैं अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार काम नहीं कर रहा है तो उसको हम पनिश देते हैं, ठीक है। तो ये जो पनिशमेंट देते हैं ये बेस्ड होता है फैक्ट और फॉल्ट पे, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, एक फैक्ट फाइंडिंग टाइप, यानी कि जो भी पनिशमेंट हम दे रहे हैं वो किसी फैक्ट पे बेस्ड हो सकता है या फॉल्ट पे बेस्ड हो सकता है। तो फैक्ट फाइंडिंग टाइप क्या है वो मैं बताता हूं। तो अगर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस आपका डाउन हो रहा है, ठीक है, यानी कि आपको जो काम दिया गया है उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक तरह से आपका फैक्ट है और फैक्ट के अनुसार आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, आपको सैंक्शन दिया जाएगा। एक होता है फॉल्ट फाइंडिंग टाइप। फॉल्ट फाइंडिंग टाइप क्या होता है, उसमें आपको सैंक्शन दिया जाता है ऑन द एजम्पशन ऑफ मैनेजर। मैनेजर ये जानता है, होड हाइपोथेसिस वाला यहाँ भी सवाल आएगा, मैनेजर ये मानता है कि वर्कर जो है वो डिलीबरेटली काम को अंडर परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वो जानबूझ के मिस्टेक्स करते हैं, इसीलिए आपको फॉल्ट फाइंडिंग टाइप आपका मिलेगा। मतलब एक तरह के मैनेजर्स में मिलेंगे वो ही फॉल्ट फाइंडिंग टाइप ही मिलेंगे। जैसे तुम्हें ये काम कर दिया, अरे ये तो एक घंटे में नहीं है, तो 15 मिनट का काम है। अब अगर कल काम सैटरडे को नहीं, संडे को ही, संडे तक कंप्लीट करना है, डेडलाइन है उसका, फ्राइडे को कंप्लीट कर दो, उसमें भी वो कोई कमी निकाल देगा और उसके बाद आपको सैंक्शन देगा। तो ये फॉल्ट फाइंडिंग टाइप है। और फैक्ट फाइंडिंग टाइप क्या है कि आप अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस से कम काम कर रहे हो तब आपको कोई पनिशमेंट मिले तो वो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट है, और ये फॉल्ट फाइंडिंग टाइप है। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, कंप्लीट पिक्चर क्या है, हम लोग देख रहे हैं कि POCCC एब्रिविएशन है, उसका हम लोग एक्सपेंशन देख रहे थे और उसमें हम लोग जो भी है कोऑर्डिनेशन, कमांड, कंट्रोल, ये सारे डिस्कस कर चुके थे। कंट्रोल में ही हम लोग देख रहे थे कि दो तरह के कंट्रोल होते हैं, फैक्ट बेस्ड कंट्रोल होता है, मैनुअल कंट्रोल होता है। और उसी में हम लोग फिर देखे कि जो भी पनिशमेंट दिया जाता है वो किस आधार पर दिया जाता है, फैक्ट के आधार पर और फॉल्ट के आधार पर। चलते हैं आगे। आगे है क्वालिटीज ऑफ गुड मैनेजर। फिर बोलते हैं कि एक अच्छा मैनेजर हो उसके पास सबसे पहले फिजिकल एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, यानी कि हेल्थ, फिगर, अपीयरेंस उसका सही होना चाहिए। अब देखिए ऑर्थोडॉक्सी जो है इसमें भी दिख रही है, ट्रेडिशनल थ्योरी के जो ऑर्थोडॉक्सी है कि हेल्थ, फिगर और अपीयरेंस होना चाहिए, ये चीज आपको इसमें दिख रहा है। तो इसके अनुसार तो कोई विकलांग को होना ही नहीं या दिव्यांग को होना ही नहीं चाहिए मैनेजर, वो गुड मैनेजर नहीं हो सकता इस हिसाब से। तो ये पुराने जो थ्योरी हैं वो उसमें उन सब में ये सब चीजें देखने को मिलेगी आपको, अब जब ज्यादा नजदीक से अगर देखोगे। दूसरा है मेंटल एबिलिटी टू लर्न, एक्सरसाइज जजमेंट और एडेप्टेबिलिटी, ये मेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। मोरल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो कि कोई भी खुद का इनिशिएटिव ले, कि कोई भी काम करे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। जनरल एजुकेशन क्या है कि जो भी उसका डोमेन है, स्पेशलाइजेशन है, उससे हटकर, जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा है तो वो सॉफ्टवेयर पे ही ना काम करे, वो मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है, ओवरऑल फंक्शनिंग क्या है, उसके बारे में जानकारी रखे, यानी कि अपने डोमेन ऑफ स्पेशलाइजेशन से बाहर भी जानकारी जनरल चीजों की उसको रहनी चाहिए, ये मैनेजर का क्वालिटी है। उसके बाद उसको स्पेशल नॉलेज भी रहना चाहिए, अब मतलब पर्टिकुलर डोमेन में जिसमें काम कर रहा है उससे उसको नॉलेज रहना चाहिए। और छठा एक्सपीरियंस, कोई भी आदमी अच्छा मैनेजर तभी बनता है जब उसके पास कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हो, नहीं तो क्या है कि नया कोई IAS भर्ती भी होगा तो उसको जो थाने वाले इंस्पेक्टर रहेंगे या जो डिप्टी, जो भी जूनियर रैंक का रहेगा जो 20 साल से काम कर रहा है उसको वो घुमा सकता है। तो इसीलिए अगर मैनेजर है तो उसके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। चलते हैं आगे। अभी देखेंगे फेवल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फेवल ने जो प्रिंसिपल जब बनाया उन्होंने एक बात कही कि ये प्रिंसिपल जो है ये रिजिड नहीं है, यानी कि ये आप एडेप्टेशन, अपने एडेप्टेशन के अनुसार इसको चेंज कर सकते हो, चेंज नहीं कर सकते। ये मैंने गलत वर्ड बोल दिया, प्रिंसिपल वही है, आप घटा बढ़ा सकते हो सकता है कि 14 में से आप 10 ही यूज करो, 9 ही यूज करो, लेकिन उसके अंदर चेंज नहीं ला सकते, वो एडेप्ट कर सकते हो अपने नीड के अनुसार। देश दूसरा है कि वो बोलते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है आप उसको यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हो,
ठीक है, ये सारे जो थी थ्योरिस्ट हैं, क्लासिकल थ्योरिस्ट, वो यही बोलेंगे कि इसको यूनिवर्सली आप अप्लाई कर सकते हो, और जब इनका क्रिटिसिज्म आ जाएगा तो उसमें सब में यही बोला जाएगा कि ये डिह्यूमनाइजिंग थ्योरी है, इसमें सब ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये सब चीजें आपको हर जगह दिखेंगे। ठीक है, तो फेल में एक तरह की एक्सेप्टेबिलिटी थी, कि वो फ्लेक्सिबिलिटी थी कि ये इस जो प्रिंसिपल है ये रिफॉर्म लाया जा सकता है, इसमें चेंज लाया जा सकता है, या समय के अनुसार इसमें एग्जम्पशन या क्या कहते हैं, इसमें इनोवेशन लाया जा सकता है। ठीक है, वो बोलते हैं, एंड आई कोट, कि दिस प्रिंसिपल आर नॉट द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनैलिटी, इनफैक्ट दे आर नॉट एब्सोल्यूट, एट बेस्ट दे कैन बी कॉल्ड एज इंडिकेटिव। यानी कि ये प्रिंसिपल इंडिकेटिव है, एक एक मैनेजमेंट को, एक ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, इन फंक्शन को, इन प्रिंसिपल्स को अपनाना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए, उसमें सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क क्या है, इससे क्या होता है कि हर काम का बंटवारा आप कर दो तो इससे स्पेशलाइजेशन आता है। तो कभी रोटी बेलते हुए आदमी को देखना मेस में, तो वो उसका डिवीजन ऑफ वर्क है, उसका वही काम है, तो वो खटाखट 50 रोटी बेल देगा 1 मिनट में। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होता है, मोर वर्क विथ लेस एफर्ट, कम एफर्ट लगा के। अब आपको बोला जाए कि आज 500 आदमी का खाना बनाने के लिए रोटी बोल दो, तो आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड मोर वर्क विथ लेस एफर्ट। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये है सिमिलर टू द आइडिया ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट, यानी कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। कहने का मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होनी चाहिए। किसी ने कोट किया है किसी ऑथर ने कि अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेंजरस, रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी इज मीनिंगलेस। कहने का मतलब है कि आपके घर में शादी हो रही हो, ठीक है, और आपने चाचा को काम दे दिया हो कि चाचा सारी जिम्मेदारी आप ही की है, अब आप कुछ भी काम करवा सकते हो अपने मन से, और शादी अच्छे से हो जानी चाहिए। ठीक है, दूसरी जगह आप कहते हो जाके कि देखो पैसा दे रहा हूं लेकिन हलवाई तुम हमसे पूछ के कोई काम करना है। ठीक है, अब क्या हुआ कि सब्जी में ज्यादा नमक पड़ गई, अब आप चाचा को रिस्पॉन्सिबल बना दिया, या पूरी समय से निकली नहीं, बाराती हल्ला करने लगे तो आप चाचा को रिस्पॉन्सिबल बना दिए। लेकिन आप देखे कि आपने अथॉरिटी अपने पास रखी थी, कोई भी काम कर रहा था वो हलवाई, वो आपसे पूछ के कर रहा था, तो चाचा को अथॉरिटी देना, ठीक है, चाचा को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पूरे खाने की विदाउट अथॉरिटी, वो मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये पहला कंडीशन होगा। दूसरा है कि अगर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो ही ना, अथॉरिटी दे दो, जैसे कि मान लो कोई सरकार है, उसको आप बहुत सारा अथॉरिटी है उसके पास, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का एहसास ही ना हो कि जनता के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अथॉरिटी यानी पावर के चक्कर में वो अपने मद में चूर हो जाएगा और लोगों के जो विकास का काम है वो नहीं कर पाएगी। तो कहने का मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर मात्रा में होनी चाहिए, किसी को ज्यादा अथॉरिटी और कम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, और किसी को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम अथॉरिटी नहीं, जितना अथॉरिटी दे रहे हो उस सेम प्रोपोर्शन में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलना चाहिए। चलते हैं आगे। अगला आता है यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, यूनिटी ऑफ कमांड का अगर ओरिजिनल मतलब देखा जाए तो यह है अकाउंटेबिलिटी टू वन सुपर ऑर्डिनेट। ठीक है, एक होता है वर्ड सब ऑर्डिनेट और एक होता है सुपर ऑर्डिनेट। सुपर ऑर्डिनेट का मतलब आपका सीनियर, सब ऑर्डिनेट का मतलब उसके जूनियर जो काम करते हो। यूनिटी ऑफ कमांड कहने का मतलब है कि आपकी एक किसी अकेले सुपर ऑर्डिनेट से, एक ही सुपर ऑर्डिनेट से आप कमांड लेंगे, यानी कि आपको ऑर्डर देने वाला कोई एक ही होगा, बहुत सारे मिल के आपको ऑर्डर नहीं दे सकेंगे। अब बताइए, टेलर का एक फंक्शनल फॉरमैनशिप का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, टेलर के फंक्शनल फॉरमैनशिप से तो ये अलग आपको दिख रहा है ना, कैसे वहां 8 फोरमैन थे, 4 प्लानिंग के लिए, 4 एग्जीक्यूशन के लिए, और एक वर्कर को 8 फंक्शनल फोरमैन के बीच में उनका ऑर्डर लेना पड़ता था। लेकिन यहाँ यूनिटी ऑफ कमांड की चर्चा कर रहे हैं फेल, कहने का मतलब कि एक व्यक्ति ही किसी एक मनुष्य को कमांड दे सकता है, यानी अपने सबोर्डिनेट या जूनियर को कमांड दे सकता है। चलते हैं आगे। अगला है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि जो भी यूनिट है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सिंगल गोल की, मतलब एक सिंगल गोल के लिए ही काम करें, भले उनका काम अलग अलग हो लेकिन उनका डायरेक्शन हो एक ही तरह से। एक उदाहरण के तौर पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है, इनका रोल अलग अलग है, कोई टैंक चलाता है, कोई जहाज चलाता है, कोई पानी वाला जहाज चलाता है, कोई मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर चलाता है, लेकिन इनका अल्टीमेट एम क्या है,
सिक्योरिटी ऑफ द नेशन यानी कि अपने बॉर्डर्स को हिफाजत से रखना, अपने सिटीजन्स को एक्सटर्नल थ्रेट से बचा के रखना। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यही है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे अपना डिफेंस है, मान लीजिए कि आर्मी ही है, तो उसका एक ही गोल है टू सेफ गार्ड द बॉर्डर्स और सिटीजन्स, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक ही है भले उनके फंक्शन अलग अलग हो जाए। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब यही है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या उसके ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल गोल, ठीक है। अगला चलते हैं, सबॉर्डिनेशन ऑफ जनरल इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब देखिए इसमें जो वर्ड है इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी कहने का मतलब आपका इंटरेस्ट, और जनरल इंटरेस्ट कहने का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। तो ये बोलते हैं कि इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमेशा प्रिवेल करना चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर। कहने का मतलब है कि आज इसरो में PSLV का लॉन्चिंग है और जो लॉन्चिंग का हेड है उसके लड़की की शादी है, तो इस केस में क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसको पहले ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है। लड़की की शादी का डेट आप जब प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इधर उधर कर लीजिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट सर्वोपरि है आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट से, यही कहने का मतलब है। इसमें स्टार मार्क लगा हुआ है क्योंकि ये एक्चुअली फेल नहीं दिया था, बाद में गुल्ली कुर्बी का आएंगे तो ये सारे जो प्रिंसिपल हैं सब कॉपी होंगे फिर भी वहां पे, लेकिन ये कुछ कुछ स्टार वाला है वो आपको कॉपी नहीं होगा, तो इसलिए इसमें स्टार मार्क लगाया गया है, ठीक है। अगला चलते हैं हायरार्की, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है हायरार्की और स्केलर चेन। इसको समझने से पहले आपको मैं हायरार्की दिखाऊंगा भी, लेकिन समझना चाहिए आपको कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी सुपीरियर है सबॉर्डिनेट है उनको एक एक पोजीशन दिया जाता है, ठीक है। वो कभी सबसे जो ऊपर आता है टॉप पे उसको चीफ एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, उसके नीचे जो रहता है कि उसका सबॉर्डिनेट होता है, उसके अंदर बहुत बहुत सारे सबॉर्डिनेट रहते हैं और ये एक पिरामिडिकल फॉर्म में होता है। नीचे का जो बेस होता है ऑर्गेनाइजेशन के, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में देखेंगे तो बेस में आपको बहुत लोग दिखेंगे, ठीक है, और जो सबसे टॉप पे होगा वो एक ही आदमी दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर बताएं कि अगर थाने में कोई सबसे पहले इंस्पेक्टर है उसके अंदर 2 SI होंगे, 2 SI के अंदर हो सकता है कि 4 हवलदार होंगे, 4 हवलदार के अंदर एक एक हवलदार के अंदर 4 सिपाही होंगे, तो नीचे 16 हो गया, ऊपर 4 हो गया, उसके ऊपर 2 हो गया, उसके ऊपर 1 हो गया, तो ये पिरामिडल के फॉर्म में बन रहा है ना स्ट्रक्चर, तो इसी को बोलते हैं हायरार्की, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोल दिया, लेकिन हायरार्की क्या है अगर डिफिनेशन दिया जाए तो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप है जो कि टॉप पे जाके कन्वर्ज हो जाता है, यानी टॉप पे जाके मिलता है। फेल बोलते हैं कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए और आपका स्पेशलाइजेशन चाहिए तो ये हायरार्की से ही आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। हायरार्की क्या है, एक टॉप डाउन कम्युनिकेशन का मॉडल होता है। हायरार्की के बारे में और जानते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये एक तरह से वर्टिकली डिजाइंड होता है, इसका पर्सपेक्टिव वर्टिकल होता है, ठीक है। अगर सारे हायरार्की में बहुत सारे लेवल होते हैं, अगर एक साथ सबको रखा जाए टॉप टू बॉटम में तो इसको हम लोग बोलते हैं स्केलर चेन, ठीक है। ईच लेयर ऑफ हायरार्की इज बाइंड टू अनदर लेयर ऑफ हायरार्की थ्रू रिलेशन कॉल्ड लाइन ऑफ कंट्रोल और चेन ऑफ कमांड। देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से इसको एक फिगर के अनुसार आपको समझाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये है जो आपको जो दिख रहा है, ये है डिस्ट्रिक्ट पुलिस का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आपको, जो आपको डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है उसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऐसा ही रहता है, इसमें कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ पोजिशन पे है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पिरामिडल पिरामिड के फॉर्म में होता है, ठीक है। पिरामिड के फॉर्म में ये बनता जाएगा। अभी देखिए एक है, एक के नीचे 3 है, उसके तीन के नीचे और 3 मिलेंगे, ये आपको पिरामिड फॉर्म में दिखते जाएगा। तो जैसे जो हेड होता है वहाँ सबसे पहले SP होता है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस में, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है, उसके अंदर 3 सेम रैंक के ऑफिसर होते हैं, एक स्टाफ कम लाइन ये CID होता है, इंस्पेक्टर ऑफ सब इंस्पेक्टर होता है, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, और फिर इधर एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो सब डिवीजन और सर्किल का इंचार्ज होता है। अब देखिए इसमें ये 3 भागों में बट गया, जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के नीचे 3 लोग डायरेक्ट इसको रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो ये जो डायरेक्ट लिंक है इसके बीच में और टॉप के बीच में, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कमांड, ठीक है। अब जैसे कि ये है
डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्यूरो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर होता है इस रैंक के, ठीक है। और इसमें रिजर्व इंचार्ज होता है, रिजर्व इंस्पेक्टरेट इंचार्ज होता है। तो ये जब भी कोई भी ऑर्डर लेगा तो इसी से लेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। ये जो दोनों जो हॉरिजेंटल चीजें हैं ये वर्टिकल रूप में जिस लाइन से जुड़ी हैं तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कमांड, ठीक है। यानी कि लाइन ऑफ कमांड और चेन ऑफ कमांड इसी को बोलते हैं। यानी कि ईच लेयर ऑफ हायरार्की इज बाइंड टू अनदर लेयर ऑफ हायरार्की थ्रू ए रिलेशन कॉल्ड लाइन और चेन ऑफ कमांड, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ये हायरार्की में यही लेता है, ये लाइन ऑफ चेन ऑफ कमांड है। और ठीक है, और प्रिंसिपल आप मैंने दिखा ही दिया कि जो यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, एक ही जगह से ऑर्डर लेना। अब देखिए ये जो हायरार्की है इसमें फंक्शन करने के लिए, जैसे मैंने दिखा रहा हूँ यहाँ पे एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, सब डिवीजन का इंचार्ज, उसके बाद सर्किल इंस्पेक्टर, उसके बाद सब इंस्पेक्टर, उसके बाद हेड कांस्टेबल, बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। अभी मान लीजिए एक एक केस होता है जहाँ सब इंस्पेक्टर मान लीजिए किसी थाने का इंचार्ज है, ठीक है, वो किसी केस की सुनवाई कर रहा है, सुनवाई नहीं कर रहा है, किसी केस के बारे में डिटेक्ट कर रहा है, कुछ मतलब जानकारी इकट्ठा कर रहा है, उसे हेल्प चाहिए सीआईडी की, ठीक है, सीआईडी की हेल्प चाहिए। इस हेल्प के लिए क्या, अगर यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करेगा जैसा फेल में बताया था, तो ये अपने जो इमीडिएट सुपरवाइज सुपीरियर है जो सर्किल इंस्पेक्टर है इससे बोलेगा, ये सर्किल इंस्पेक्टर आगे एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से बोलेगा, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी को बताएंगे, एसपी फिर ये स्टाफ कम लाइन जो डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच सीआईडी का है सब इंस्पेक्टर इसको बताएगा, और ये फिर डिस्ट्रिक्ट कैम्प पीडो को बताएगा, तब ये डिटेक्शन का काम इसके जैसा चाह रहा था उस हिसाब से हो पाएगा। अब देखिए इस पूरे प्रोसेस को, लाइन ऑफ कमांड को अगर फॉलो करने में काफी टाइम लगता है, यानी कि ये एक तरह से कम्बर्सम है, एक तरह से आपको फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है। इसके सुधार के लिए हायरार्की का कमांड तो दे दिया प्रिंसिपल, लेकिन इसके सुधार के लिए उन्होंने एक नया प्रिंसिपल लाया जिसको बोला गया गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक लाते हैं कि जो रेड टेपिज्म है, यानी कि आपको हायरार्की में जो एक लेवल से दूसरे लेवल तक का बात करना पड़ेगा। मैंने तो एग्जांपल दिखाया था आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, समझने के लिए कि कैसा होता है। मान लीजिए कि ये ओ है, ठीक है, बॉस है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये सी है, ये डी है, ये है ई है, और ये है एफ, ठीक है। ई को कोई इशू है तो वो डायरेक्ट एफ से कांटेक्ट नहीं कर सकता, वो कहाँ जाएगा, सी के पास जाएगा, ए के पास जाएगा, ए ओ से बोलेगा, ओ बी को बोलेगा, बी डी को बोलेगा, डी फिर एफ को बोलेगा। इतना रेड टेपिज्म खत्म करने के लिए फेरोल ने बोला कि मैं क्या करता हूँ, एक नया कॉन्सेप्ट लाता हूँ गैंग प्लैंक का। ग्लैंग का मतलब होता है, प्लैंक का मतलब होता है चचरा, पुल, पट्टा, ठीक है। तो ये चचरे का काम करेगा, ये दो लेवल को आपस में जोड़ने का काम करेगा। कैसे, ये ई को कुछ इशू आ रहा है तो वो क्या करेगा, केवल सी को बताएगा, ठीक है, सी से परमिशन लेके डायरेक्ट ई से अपना रास्ता कायम करेगा, जो भी है कम्युनिकेट करेगा और काम करवाएगा। एफ भी काम करेगा किसके आदेश पे, अपने इमीडिएट सुपीरियर के आदेश पे, ठीक है। ये जो डी है, डी से परमिशन लेगा एफ, और वो ई जो बताया है काम वो करेगा। यानी हमें ए से घूम के आने की जरूरत नहीं हुई, ठीक है। बाद में हम जो अप्रूवल लेंगे उससे लेते रहेंगे, लेकिन जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जैसे कि किसी एरिया में लोकलिटी में दंगा हो रहा है सीएओ को लेकर, ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट है, ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री में कुछ आतंकवादी टाइप के मतलब जो गतिविधि कर रहे हैं वो इस क्षेत्र में है और इस क्षेत्र में है, यहाँ का जो इंस्पेक्टर है थाने का, चौकी का, वो ये चाहता है कि इस थाने का चौकी कुछ एक्शन ले इन पे, ठीक है। इस केस में अगर वो एसपी को बताने जाएगा या अपने डीएसपी को बताने जाएगा, डीएसपी फिर एसपी को बताएगा, फिर वो एसपी फिर उधर के डीएसपी को बताएगा, फिर ये बात नीचे तक आएगी, तो इसमें काफी टाइम लग जाएगा। तो ये अपने जो इंस्पेक्टर है इमीडिएट सुपरवाइजर से कंसल्ट करके डायरेक्ट बता देगा कि आप यहाँ इतने पुलिस वाले भेजो, दंगा कंट्रोल करना है। ये है गैंग प्लैंक, यानी गैंग प्लैंक में आप जो ऊपर वाले अथॉरिटी है केवल उसी के परमिशन से, जो इमीडिएट अथॉरिटी है उसके परमिशन से लेके अपना कोई भी काम करा सकते हो। ये जो रेड टेपिज्म है सिस्टम में उसको खत्म करने के लिए फेयोल का डर था कि एक्सेसिव जो हायरार्की है इससे लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, तो उसने गैंग प्लैंक का कंसेप्ट लाया, ठीक है। तो ये है गैंग प्लैंक। अब गैंग प्लैंक के कुछ बेनिफिट हैं और कुछ एक तरह से इसका कुछ इसके निगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, दोनों हम देखेंगे। गैंग प्लैंक आप समझ गए, हायरार्की समझ गए। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पूरे प्रिंसिपल, जो 14 प्रिंसिपल है उसमें हम
छठे या सातवें नंबर पर डिस्कस कर रहे थे हायरार्की। हायरार्की में भी एक्सेसिव हायरार्की से रेड टेपिज्म आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा। उसके लिए जो आइडिया दिया फ्योल ने गैंग प्लैंक, उसको हम डिस्कस कर रहे थे, और गैंग प्लैंक में क्या बेनिफिट्स हैं उसको हम लोग अभी जानेंगे। यानी कि ओरिजिनल हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल, उसके अंदर हम लोग घुसे हुए हैं हायरार्की में, और हायरार्की के अंदर घुसे हुए हैं हम लोग इसमें गैंग प्लैंक में, और गैंग प्लैंक के अंदर ये जो बेनिफिट है उसको हम लोग देख रहे हैं। ये इंट्रोड्यूस करता है एलिमेंट ऑफ डिस्क्रिशन, ठीक है, डिस्क्रिशन एंड क्रिएटिविटी। ये क्या होता है, डिस्क्रिशन का मतलब होता है खुद से जो आप अगर कोई डिसीजन लेते हो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिशन। क्रिएटिविटी का मतलब कि आपका जो सोच और समझ के अगर कोई एक्शन लेते हो वो क्रिएटिविटी भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि अगर कश्मीर में कोई पत्थरबाजी चल रही है और किसी को क्रिएटिव आइडिया लगता है तो वो क्या करता है कि जो पत्थरबाज है उनमें से एक को जीप के आगे बांध देता है, ठीक है, किसी अफसर को ऐसा लगता है, तो ये क्या है, एक तरह की क्रिएटिविटी है। दूसरा है डिस्क्रिशन। डिस्क्रिशन यानी कि आप अपना दिमाग लगा के आप अपने खुद से डिसीजन ले रहे हो, ना कि ऊ के पास जा रहे हो घूम फिर के। इस केस में तो चीफ एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेता है हायरार्की क्षेत्र में, तो ये एक तरह से डिस्क्रिशन और क्रिएटिविटी को बढ़ाया देता है, ठीक है। अगर निचले लेवल पे अफसर या कोई भी कर्मचारी अगर लेने लगे अपने तरह से डिसीजन तो ये कोलेबरेशन को भी बढ़ाएगा और एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन होता है कि नहीं मैं इस कॉज के लिए काम कर रहे हैं और मेरे आइडियाज हैं वो भी रखा जा रहा है, तो एक तरह से पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाता है, ठीक है। दूसरा ये है, इसका बेनिफिट है कि स्पीड इफिशियंसी और रेड टेपिज्म को ये खत्म करता है और स्पीड और इफिशियंसी को बढ़ाता है, ये तो जाहिर है। तीसरा है ये पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन को बढ़ाता है। अब देखिए इस केस में कि ई से एफ को बात करने के लिए कभी, एक तरह से देखिए ई से और एफ को बात करने के लिए कभी मौका ही नहीं मिलता है, ठीक है, नहीं मिलता। लेकिन ऐसा सिचुएशन आया तो ई और एफ के बीच में भी कम्युनिकेशन होने लगा, यानी ये पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन को भी बढ़ाता है, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग में एक दूसरे को अपने एक तरह से आइडियाज को, इनके एक्सपीरियंस को भी बढ़ा रहा है डिसीजन मेकिंग में। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन सही से किसी सिचुएशन में अडेप्ट कर ले, उसकी अडेप्शन के लिए भी गैंग प्लैंक जरूरी है। तो ये इसके पॉजिटिव इफेक्ट है, तो जाहिर है इसके निगेटिव इफेक्ट भी होंगे, देखते हैं क्या है। गैंग प्लैंक का नेगेटिव इफेक्ट है कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, पब्लिक में क्यों नहीं यूज किया जा सकता है, तो बोलते हैं कि दोनों के काम करने का तरीका अलग है। पब्लिक जो है वो इफेक्टिवनेस के लिए काम करता है, उसका नेचर ऑफ वर्क अलग होता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। वहाँ जो वर्किंग कंडीशन है वो वेग है, एक तरह से पूरा खुल के नहीं बताया है कि हर सिचुएशन में क्या करोगे, जबकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह का फिक्स वर्किंग कंडीशन होता है। तो इसीलिए आपको ज़्यादातर ये देखने को मिलेगा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में। और एक कारण बताया कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेसिव सबॉर्डिनेशन है, यानी कि सुपीरियर और जूनियर के बीच में आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा ये सब चलती है कि तुमने खुद से डिसीजन क्यों ले लिया। तो जो भी सुपीरियर हैं वो चाहते नहीं कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो, यानी कि कोई भी चीज लेके आए तो अगर छुट्टी भी जाना है तो हमसे पूछ के जाओ, अगर खाना भी खाना है तो सर लंच करने जाओ पूछ के जाओ। वो एक तरह से एम्पायर बिल्डिंग का काम करता है। सुपीरियर नहीं चाहता है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो, तो इसलिए एक तरह से इनर्सिया भी रहता है लोगों के अंदर जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें। दूसरा इसका निगेटिव इफेक्ट क्या है, लिमिटेशन क्या है, कि ये जो अथॉरिटी है उसके रोल को अंडरमाइन कर देगा। अब यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि, और एक दूसरा कंसेप्ट भी बोलता है कि जो अथॉरिटी है वो लाई करता है सबॉर्डिनेट में, यानी सुपीरियर में, सबॉर्डिनेट बोल रहा हूँ, सुपीरियर में अथॉरिटी लाई करता है, और जो भी है अथॉरिटी के अनुसार ही काम होना चाहिए, यानी कि आपको सीनियर से पूछ के ही काम करना चाहिए। लेकिन आप जब गैंग प्लैंक को अपनाते हो तो अथॉरिटी को एक तरह से आप बाईपास कर रहे हो, यानी कि आप अथॉरिटी के रोल को आप एक तरह से अंडरमाइन कर रहे हो, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि अगर इस प्रैक्टिस को डे टू डे रूप में लाया जाए तो ये एक तरह से डे टू डे एक्टिविटी हो जाएगा, लोग हमेशा से बाईपास करेंगे। तो वो इसीलिए बोलते हैं कि गैंग प्लैंक को एक्सट्रीम केसेज में, एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेज में ही अपनाना चाहिए, ठीक है। तीसरा है ये एम्पायर बिल्डिंग टेंडेंसी को बढ़ाता है, ठीक है। इससे आपको अल्टरनेट पावर सेंटर्स दिखने को मिल जाएंगे, ठीक है, और वो एक तरह से जाके सुप्रीम अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे। कैसे, कहने का मतलब है कि अगर कोई थाना अध्यक्ष दो हैं, अगर थाने के, वो आपस में ही बात करके अगर एसपी को ना बताएं कोई भी काम करें, तो
कोई भी अगर ठेकेदार को कोई प्रोजेक्ट निकलवाना होगा या किसी कॉन्ट्रेक्टर को कुछ काम होगा या किसी को भी कुछ काम हो, तो वो एसपी का जो डिस्क्रिप्शन है इसमें अंडरमाइन कर देगा, वो डायरेक्ट चला जाएगा उसी के पास, बोलेगा कि यार उनसे क्या बात करना, इनसे ही बात करके काम निकल जाएगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जो थाना अध्यक्ष हैं, ये अपना एम्पायर बिल्डिंग एक तरह से कर रहे हैं, ठीक है। एक तरह से ये ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अगर अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहे हो तो आप एक तरह से ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को भी बढ़ावा दे रहे हो, अपना एक अल्टरनेट पावर सेंटर आप स्थापित कर रहे हो। तो ये इसके नेगेटिव इफेक्ट हैं, ठीक है। इंटरनल फीडबैक सिस्टम को ये अफेक्ट करेगा। इंटरनल फीडबैक सिस्टम क्या है कि जो प्रैक्टिकली जो मैनेजर्स हैं, ठीक है, मैनेजर्स हैं, वो जो डिसीजन लेते हैं वो किस बेस पे लेते हैं, फीडबैक सिस्टम पे। फीडबैक इन द सेंस कि जो उनके अंडर में जो वर्कर काम करता है वो बताता है हर काम की जानकारी, यानी आज मैंने इतना टास्क कंप्लीट कर लिया, तो फिर ये कल का टास्क डिफाइन करता है, इसको बोलते हैं हम लोग फीडबैक सिस्टम। यानी कि मैनेजर जो भी प्लान करता है वो वर्कर के फीडबैक पे काम करता है। अगर गैंग प्लैंक ला दिया जाए तो इस मैनेजर तक ये बात ही नहीं पहुंचेगी कि अभी क्या सिचुएशन है, ये नीचे नीचे ही सेटल हो जाएगा। तो ये फीडबैक सिस्टम को आप एक तरह से अंडरमाइन करेगा, और बाद में जो मैनेजर है वो अपने तरीके से हो सकता है कि गलत डिसीजन ले ले। तो ये भी एक तरह से लिमिटेशन है गैंग प्लैंक का। चलते हैं आगे। अगला है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, यानी कि एवरीथिंग इन इट्स प्लेस एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग। हर चीज का अपना प्लेस होना चाहिए और हर चीज को अपने प्लेस पे होना चाहिए। कहने का मतलब ये मटेरियल की बात भी करते हैं और साथ साथ आदमी की बात कर भी करते हैं कि जो पोजीशन है, जो बनाया गया है उस पोजीशन के पे, उसके अनुसार आदमी रहना चाहिए और मटेरियल भी जो है वो अपने पोजीशन पे भी रहना चाहिए, यानी मैन मटेरियल दोनों के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है वो फेयर एंड जस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब इक्वलिटी और इक्विटी में अंतर है, ठीक है। इक्वलिटी क्या है, इक्वलिटी है यानी कि सबको बराबर से देखना। कहने का मतलब हर एक सिटीजन को वोट देने की जरूरत है, ये सबको बराबर अधिकार दिया गया है, ये इक्वलिटी को दर्शाता है। लेकिन एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, तो ये इक्वलिटी को नहीं दर्शाता, ये इक्विटी को दर्शाता है। इक्विटी इन द सेंस कि अगर कोई डाउन रोडन है या कोई ऑप्रेस्ड है या कोई कोई अप्रोप्रिएटली अगर उसको नहीं जगह मिली है किसी चीज में, तो आप उसके लिए प्रेफरेंशियल बेनिफिट्स का एक तरह से प्रावधान लाओ, वो हो जाता है इक्विटी। और इक्विटी क्या है कि सबको बराबर रूप से देखना। यहाँ इक्विटी का मतलब रेम्यूनरेशन के, यानी कि जो पे और अलाउंसेज है उसे ये रिलेटेड है। कहने का मतलब कि जो रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में वो फेयर एंड जस्ट होना चाहिए, और उनको जो वेजेज हैं, जो उनका रेम्यूनरेशन है, उनको उनके काम के अनुसार मिलना चाहिए, ठीक है। यानी अब इक्विटी में आप बताओ कि वो कॉन्सेप्ट कैसे आएगा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट वाला। कहने का मतलब कि यहाँ पे अगर पे या पेमेंट आप दे रहे हो, अगर वो कोई गलती भी करता है तो आप उसको पनिश भी कर सकते हो, ठीक है। तो इक्विटी का अर्थ ये याद आता है, एक तरह से डिफरेंशियल ट्रीटमेंट भी आप, मतलब एक तरह से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी कर सकते हो, अगर जो काइंड है, काइंड अप्रोच लगा सकते हो कि अगर जो वर्कर अच्छा है और जो खराब है उसको सही करने के लिए आप डंडे का भी प्रयोग कर सकते हो। तो इक्विटी एक तरह से यहाँ फुलफिल हो रहा है। अगला है स्टेबिलिटी ऑफ टेनियर। देखिए जो ये सब समय है, इस समय में कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है कि बहुत सारा एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा है। एट्रिशन रेट क्या होता है कि जिस रेट पे लोग ज्वाइन करते हैं उससे ज्यादा लोग नौकरी को छोड़ रहे हैं। छोड़ किस लिए रहे हैं कि टेलर ने आतंक मचा रखा है अपने स्टॉपवॉच से, सारा काम स्टॉपवॉच के अनुसार हो रहा है। तो एक तरह से जो एट्रिशन रेट है वो काफी ज्यादा है। वर्क मैकेनाइज है, लोग रोबोट की तरह काम कर रहे हैं, मोनोटोनस वर्क है, एक ही तरह का वर्क है। तो इसीलिए वहाँ टेनियर बहुत ज्यादा एट्रिशन रेट है। इसीलिए जो फेल बाद में आते हैं तो वो टेनियर की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अब टेनियर, स्टेबिलिटी ऑफ टेनियर कहने का मतलब है, अगर कोई आईपीएस है आप उसकी पोस्टिंग इधर उधर कर देते हो, अगर वो सही से काम कर रहा है तो आप उसकी तबादला कर देते हैं पॉलिटिशियंस। तो यहाँ क्या है, आप उसकी टेनियर में स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हो। वैसे ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का स्टेबिलिटी ऑफ टेनियर है कि 65 साल तक काम करेंगे ही करेंगे, यहाँ पे कोई हटा नहीं सकता उसको, तो वो बेटर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जहाँ इनस्टेबिलिटी रहेगी आपके टेनियर में, आपका जो हमेशा वर्क चेंज होते रहेगा, तो एक स्पेशलाइजेशन भी नहीं आएगा आपके अंदर, और दूसरे आपको फिर से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, आपको फिर से कैपेबल बनाना पड़ेगा। तो एक तरह से आपका भी लॉस है
और एडमिनिस्ट्रेशन का भी लॉस है। तो इसको खत्म करने के लिए क्या बोलते हैं कि आप इंसेंटिव सिस्टम लाओ, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर के मतलब बढ़ाने के लिए आप इंसेंटिव सिस्टम ला सकते हैं, बोनस का प्रावधान ला सकते हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल एब्लिगेशन ला सकते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल एब्लिगेशन का कंसेप्ट है ये आपको अभी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगा कि जब आप नौकरी करने जाते हैं तो आपसे पहले ही बॉन्ड साइन करा लिया जाता है कि आप छोड़ेंगे नहीं। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर को आप उसी रूप में मत ले लीजिए कि एक आईएएस अफसर को हटाया गया, अगर उसकी टेन्योर मेंटेन रहती तो वो अच्छा काम करता, नहीं, जो वर्कर्स भी है वो भी छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ ज्यादा उसी रूप में है कि वर्कर का एट्रिशन रेट ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कैसे इंश्योर कीजिए। अब फेलर फेल ये भी कहते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट है और कॉन्टेंट है इनमें भी चेंज लाने की जरूरत है, ठीक है। वो कॉन्टेक्स्ट पे ज्यादा बोलते हैं कि कॉन्टेक्स्ट पे ज्यादा चेंज लाने की जरूरत है। अब कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेंट क्या है, कहने का मतलब कि आप कहीं काम करते हो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, कॉन्टेक्स्ट में चेंज लाना कहने का मतलब कि जहाँ काम करते हो वहाँ एसी लगा देना, वहाँ कॉफी मशीन लगा देना, वहाँ पानी की व्यवस्था कर देना, ये सब क्या है, आप सराउंडिंग में चेंज ला रहे हो, तो आप कॉन्टेक्स्ट को एक तरह से अच्छा कर रहे हो, यानी कि वहाँ की क्वालिटेटिव इनलार्जमेंट कर रहे हो वहाँ का। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि वर्क में ही चेंज लाना, यानी कि वर्क में इनरिचमेंट कर देना, यानी कि अगर आप मैनुअल काम कर रहे हो तो हो सकता है वहाँ पे मशीन ला देना, आपको बीच बीच में ब्रेक देना, हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्टिविटी है उसका लेवल थोड़ा सा कम कर देना, थ्रेशोल्ड कम कर देना, ये वर्क में चेंजिंग लाना है, ठीक है। तो ये बोलते हैं यहाँ पे कि कॉन्टेक्स्ट में आपको चेंज लाने की जरूरत है। अब कॉन्टेक्स्ट में चेंज लाओगे तो उसका घाटा भी है, ये आगे के थ्योरिस्ट ने बताया है, जब हॉथरन स्टडीज होगी तब बताएंगे कि कॉन्टेक्स्ट नहीं वर्क के कंटेंट को अगर चेंज करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। फिलहाल आप लोग उतना दूर मत जाइए, आप यही बोलिए कि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर जरूरी है और उसके लिए कॉन्टेक्स्ट में चेंज लाना जरूरी है और इंसेंटिव बोनस कॉन्ट्रेक्चुअल एप्लीकेशन से आप स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर इंश्योर कर सकते हो। चलते आगे, अगला है इनिशिएटिव, ठीक है। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि आप अपने इनोवेशन से, अपने क्रिएटिविटी से आप किसी काम को करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको बोलते हैं हम लोग इनिशिएटिव, ठीक है। इनिशिएटिव से क्या होता है कि नए आइडियाज का उत्पत्ति होती है, जो भी पुराने आइडियाज होते हैं उनमें डेवलपमेंट का चांसेस रहता है, ठीक है। अभी टेलर फेल भी बोलते हैं कि इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि वर्कर्स के साइड से पार्टिसिपेशन, क्रिएशन, क्रिएटिविटी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले बोलते हैं कि प्रमोटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग, ठीक है। वो बोलते हैं कि सिस्टमेटिक ट्रेनिंग होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, सभी जो भी किसी भी पोस्ट पे है उसको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है उसके बारे में पता होना चाहिए, इवन वो स्पेशलिस्ट हो या जनरलिस्ट हो। जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, आगे समझेंगे, लेकिन उनको जनरली ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, उनकी ट्रेनिंग देना जरूरी है, तब उनमें इनिशिएटिव आएगा, एक तरह से वो ज्यादा क्रिएटिव होंगे, उनका विजन जो है वाइडर होगा और वो जो डिसीजन लेंगे वो ज्यादा रैशनल डिसीजन लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई ब्रिज बन रहा है, ठीक है, एक एग्जांपल ले लीजिए कि कोई नर्मदा घाटी में कोई डैम बन रहा है, ठीक है, तो जो इंजीनियर है उसको क्या कंसर्न है कि गिट्टी कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा, कितना पानी रिसीवर देंगे, कितना मोटा वाल होगा, वो इससे कंसर्न है, वो इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या होगा, कितने गांव डूबेंगे, कितने पर्यावरण की क्षति होगी, ये सबसे उसका कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन उसको किस चीज से कंसर्न है, केवल ब्रिज बनाने से। फेल का यहाँ पे ये कहना है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग लाओगे तो उसका जो विजन है वो वाइडर होगा, ठीक है, यानी वो इन्वायरमेंट के भी बारे में देखेगा, लोगों के भी बारे में देखेगा, इकोनॉमिक को भी देखेगा, उस हिसाब से वो पुल का डिजाइन जो करेगा वो ज्यादा, एक तरह से ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा इफिशियंट होगा। इसीलिए वो बोलते हैं कि हर एक स्पेशलिस्ट को भी एक जर्नलिस्ट का नॉलेज होना चाहिए, एक जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव होना चाहिए। दूसरा है प्रमोशन ऑफ स्टाफ एजेंसी, अपा लाइन एजेंसी और स्टाफ एजेंसी क्या है ये हम आगे समझाएंगे, लेकिन नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि स्टाफ एजेंसी क्या होती है कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए हेल्प के रूप में काम करते हैं, ये
जो हेड होता है उसको एज ए सप्लीमेंट देती है। स्टाफ एजेंसी को हम लोग बोले एक तरह से थिंक टैंक का काम करता है, अपना इसे है अपना प्लानिंग कमीशन हुआ, अपना नीति आयोग हुआ, ये एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, लेकिन मिनिस्ट्री को जो सरकार है उसको थिंक टैंक, उनको आइडियाज दे रहे हैं, यानी कि सप्लीमेंट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो ये जो भी रिसर्च वर्क करते हैं, जैसे वो सीआईडी था उधर, वो एक तरह से थिंक टैंक का काम कर रहा था जो रिसर्च कर रहा था, तो उसको हम लोग स्टाफ एजेंसी बोल सकते हैं। जैसे नीति आयोग, ये स्टाफ एजेंसी है। तो ये क्या कहते हैं, एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन है वहां ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये रिसर्च करते रहते हैं। ठीक है, तो ये जितना ज्यादा रिसर्च करेंगे उतना ज्यादा इनोवेशन रहेगा, और इनोवेशन सिनोनिमस है इनिशिएटिव के, यानी कि ज्यादा इनोवेशन रहेगा, ज्यादा क्रिएटिविटी रहेगी, तो इनिशिएटिव होगा ही होगा ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि स्टाफ मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रनिंग एंड बिजनेस, यानी कि वो सीधे दरकिनार करते हैं जो स्टाफ और लाइन एजेंसी के फंक्शन को सीधे मतलब अलग कर देते हैं। जैसे फेल ने प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को अलग किया था चार चार अपने फोरमैनशिप रख के, वैसे ही फेयर भी बोलते हैं कि स्टाफ जो थिंक टैंक है उसका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन डे टू डे लाइफ में काम करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग होना चाहिए, उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए इस बात की। वो अलग से अपना इनिशिएटिव ले सकता है, एज ए थिंक टैंक का काम कर सकता है, इनोवेशन ला सकता है, क्रिएटिविटी ला सकता है। तो इनिशिएटिव में हमने यही देखा कि दो तरीके से इनिशिएटिव लाया जा सकती है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग को बढ़ावा देंगे, यानी कि स्पेशलिस्ट को भी जर्नलिस्ट के रूप में सोचने पर मजबूर करेंगे, और स्टाफ एजेंसी को जो थिंक टैंक एजेंसी है उनको आप प्रमोट करेंगे, तो इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ेगा। आगे देखते हैं स्पिरिट डिक्रॉप्स क्या है। स्पिरिट डिक्रॉप्स का मतलब होता है कि हार्मोनी, जो भाईचारा है, आपसी भाईचारा, सेंस ऑफ ब्रदरहुड है, उसको प्रमोट करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अपना पर्सनल इंटीग्रिटी को बढ़ावा देना, मॉरल करेक्टर में बढ़ावा देना, ये सब क्या है, स्पिरिट डिक्रॉप्स है। यानी स्पिरिट डिक्रॉप्स एक्चुअली मिलिट्री का टर्म है, वहां पे आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, हारमोनी, ये सब चीजें आर्मी में देखने को मिलेंगी, तो आपको स्पिरिट डिक्रॉप्स ज्यादा ये वर्ड वहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हो सकता है क्या है, तो आप अगर इम्प्लॉय हैं, अगर आप रूल्स और रेगुलेशन को ओबीडियंटली फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप डिसिप्लिन्ड हैं। तो डिसिप्लिन होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एक तरह का प्रिंसिपल है जो फेयर ने बताया था। उसके बाद बोलते हैं रिमनरेशन ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि जो भी पेमेंट मिलता है, वेजेज मिलते हैं, वो फेयर होने चाहिए, जस्ट होने चाहिए, और सामने वाले को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि जो मुझे पे मिल रहा है वो सही मिल रहा है। अगला है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि पावर कंसंट्रेटेड एट द हैंड ऑफ हायर फंक्शनरीज। जो भी है पावर, अगर आप ज्यादातर पावर आप चीफ एग्जीक्यूटिव के पास या जो सुपीरियर रैंक के ऑफिसर्स हैं उनके पास अगर कंसंट्रेट कर रहे हो, इसका मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, तो ये सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, ये सेंट्रलाइजेशन का डेफिनेशन नहीं देते हैं, केवल बोलते हैं कि सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर सेंट्रलाइजेशन रहेगा तभी इफिशियंटली फंक्शन हो सकता है। जैसे कि आप देखिए, अगर स्मॉलर फर्म रहेगा जहां चार पांच आदमी काम कर रहे हैं, तो वहां फेस टू फेस इंटरेक्शन रहता है, तो वहां पे सेंट्रलाइजेशन की गुंजाइश बहुत कम रहती है। अब यही पार्ले जी की कोई कंपनी है, एक दिल्ली में है, एक बेंगलोर में है, कहां कहां है, तो वहां जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो तो डायरेक्ट अपना सेंट्रलाइजेशन, अपना एक्सरसाइज अथॉरिटी को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वहां सेंट्रलाइजेशन आपको धीरे धीरे कम होता दिखेगा। इसके लिए क्या किया गया है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क को बढ़ा दिया गया है कि आप इस केस में यही काम करोगे, तो एक तरह से वो भी सेंट्रलाइजेशन को इन्हांस करना हुआ। ठीक है, तो फेवल बोलते हैं कि सेंट्रलाइजेशन तो होना चाहिए, मैंने एक साइड से बता दिया कि क्या होता है सेंट्रलाइजेशन में, लेकिन फेवल का यही मानना है कि सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर एट द हैंड ऑफ हायर फंक्शनरीज। लेकिन फ्यूल बताते हैं, एक एक्सेप्शन भी देते हैं इसमें, कि अगर एम्प्लायर ट्रस्ट कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, अगर उसके भरोसा है, तो अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज कर सकता है, यानी कि जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है नेचुरल लेवल पे। तो ये पूरे 14 प्रिंसिपल्स फेयल के द्वारा दिए गए हैं। चलते हैं आगे देखेंगे कि टेलर और फेयल में क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेज है। सबसे पहले देखते हैं सिमिलैरिटीज। ठीक है, तो इन दोनों को बोला जाता है बोथ आर पायनियर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब पायनियर का मतलब क्या होता है, जिसने जो चीज स्टार्ट करी होती है उसको बोलते हैं पायनियर। ठीक है, तो जैसे नॉन अलाइन मूवमेंट का हो सकता है कि इंडिया पायनियर हो, बाद में दूसरे देश जुड़ते गए हों, जैसे गल्फ कॉपरेशन का काउंसिल का जो
जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो उनके पायनियर हैं, बाद में लोग जुड़ते गए, तो जो जो स्टार्ट करता है किसी चीज को उसको बोलते हैं हम लोग पायनियर। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग कि फेलर और टेलर सिमिलैरिटीज में दोनों पायनियर है साइंटिफिक मैनेजमेंट के। दोनों ने मैनेजमेंट थ्योरी बनानी चाहिए किसके बेसिस पे, अपने ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ये बाद में जाके और ऑथर क्रिटिसाइज करेंगे कि ये जो उन्होंने देखा वो कर दिया, ये एम्पेरिकल नहीं है, ये साइंस या एविडेंस बेस्ड नहीं है ये चीजें, ठीक है, ये इनके ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे आधारित हैं, इसलिए ये एम्पेरिकल नहीं हो सकती, ये क्रिटिसिज्म में भी आ जाता है। लेकिन इन दोनों ने सेम यही तरीका अपनाया है, ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसी भी काम को करने का। अब देयर इज ए विजिबल सिमिलैरिटीज इन प्रिंसिपल, जैसे कि स्पेशलाइजेशन है और प्रमोटिंग स्टाफ एंड लाइन फंक्शन है, ठीक है, और यूनिटी ऑफ कमांड है और प्रमोटिंग हारमोनी है एट द वर्क प्लेस। ये क्या है, इसमें बहुत सारे सिमिलैरिटीज को आपको देखने को मिलता है। जैसे कैसे सिमिलैरिटीज देखने को मिलता है, स्पेशलाइजेशन एंड प्रमोटिंग स्टाफ एंड लाइन फंक्शन। स्टाफ और लाइन फंक्शन क्या है कि आप रिसर्च थिंक टैंक के काम को अलग बांट रहे हो और लाइन फंक्शन जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है उसको अलग बांट रहे हो। अब स्पेशलाइजेशन क्या होता है, किसी एक काम को किसी एक पर्टिकुलर आदमी के द्वारा करवाना, वही तो स्पेशलाइजेशन है। जैसे इंजीनियर है उसको उस तरह के प्रोजेक्ट देना, जो जनरल मैनेजर है उसको उस तरह के प्रोजेक्ट देना, ये क्या है, स्पेशलाइजेशन है। तो आप लाइन एजेंसी को अलग प्रमोट कर रहे हो, स्टाफ एजेंसी को अलग प्रमोट, तो ये क्या है, एक तरह से आप स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हो। तो ये इनका क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म क्या बोल रहे हैं कि ये सिमिलैरिटीज है कि उनके प्रिंसिपल जो है, जैसे स्पेशलाइजेशन का प्रिंसिपल है, लाइन और स्टाफ का जो प्रिंसिपल है, ये एक तरह से सिमिलर है। उसके बाद है कि बोथ आर ट्रेंड इंजीनियर्स, ही आपको हर जगह दिखेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी इंजीनियर्स ही दिख रहे हैं। तो वो दोनों इंजीनियर ही थे, बाद में मैनेजर बने और बाद में एक तरह से सीईओ बन गए अपने अपने क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के जिसमें वो काम करते थे। तो ये सारी सिमिलैरिटीज हैं और कुछ इनमें डिफरेंसेज भी हैं, वो देखते हैं हम लोग। डिफरेंसेज क्या है कि जो फेल का कॉन्टेक्स्ट है, यानी कि जिस टाइम पे फ्यूल काम कर रहा है उसमें जो इंडस्ट्रियल पैटर्न है यूरोप में, ठीक है, जो फ्यूल काम कर रहे हैं वो यूरोप में काम कर रहे हैं, जो टेलर काम कर रहे हैं वो यूएस में काम कर रहे हैं। तो जो फ्यूल का जो कार्यकाल था उस समय, जो कॉन्टेक्स्ट था उस समय, क्या है कि मार्केट थोड़ा एक तरह से शांत हो गया है, एक तरह से सेटल्ड हो गया है। जबकि जब टेलर काम कर रहे हैं उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पे है, तो उस टाइम पे ज्यादा हेक्टिक, ज्यादा चेंजिंग इंडस्ट्रियल, मतलब चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में फेल का काम आता है, और जो टेलर का काम आता है, और जो फेल का काम, जो सॉरी, जो फेल का कार्यकाल है उस समय इंडस्ट्रियल पैटर्न जो है यूरोप में वो काफी स्टेबल हो चुका था। लेकिन टेलर का के समय जो काफी हेक्टिक और रैपिडली चेंजिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का टाइम था, तो उस समय दोनों के कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हैं। ये तो पहला डिफरेंसेज हुआ, ठीक है। टेलर क्या है, एक तरह से एलिमेंटलिस्ट है, एक तरह से एटोमिस्टिक थ्योरिस्ट है। एटोमिस्टिक थ्योरिस्ट कहने का मतलब, जैसे एटम सबसे बेसिक रूप होता है किसी मटेरियल का, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, वैसे ही टेलर फोकस करते हैं किस पे, सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स किसी ऑर्गेनाइजेशन में, लेबर पे। यानी कि वो एक तरह से उनका एटोमिस्टिक व्यू है, वो एज ए सबसे निचले लेवल पे एक 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 लेबर को देखते हैं सबसे निचले लेवल पे। जबकि फ्यूल क्या क्या है, यानी कि शॉप फ्लोर लेवल पे वो देखते हैं, सबसे निचले लेवल पे देखते हैं, और वर्कर को एज ए इंडिविजुअल देखते हैं, इसलिए उनका अप्रोच एटोमिस्टिक है। जबकि फ्यूल क्या है, एक तरह से फंक्शनलिस्ट है, और वो पूरे मैनेजमेंट के लिए एक जनरल प्रिंसिपल देना चाहते हैं। यानी कि टेलर को कहा जाए तो वो टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं, और फेवल को कहा जाए तो वो प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं, किस प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशन को सही से, मतलब एफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है, वो फेवल दे रहे हैं टेक्निक्स, और टेलर जो प्रैक्टिकल काम कैसे होता है शॉप फ्लोर लेवल पे उसकी टेक्निक दे रहे हैं। ये डिफरेंसेज हैं इसमें। तीसरा, वो कहीं ना कहीं जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी है उसको कहीं ना कहीं वो खारिज कर रहे हैं। कैसे, अब देखिए, जो दोनों टेलर हैं और फेवल हैं, वो जो सेंट्रलाइजेशन है ऑफ अथॉरिटी उसको दोनों एक तरह से दरकिनार करते हैं, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। टेलर क्या करते हैं कि लाइन ऑफ और स्टाफ, ये दोनों के बीच में एक अंतर स्पष्ट कर देते हैं। लाइन ऑफ स्टाफ क्या है यहाँ पे, जैसे कि उनका प्लानिंग के लिए चार सुपरवाइजर थे, एक्सिक्यूशन के लिए चार, तो एक तरह से प्लानिंग जो थिंक टैंक का काम कर रहे हैं वो स्टाफ एजेंसी है और लाइन एजेंसी है।
वो दोनों को अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि दोनों का स्फीयर अलग है, कोई एक दूसरे को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं दे रहा है? टेलर नहीं दे रहे हैं। लेकिन फेयर क्या कर रहे हैं कि वो स्टाफ को एज ए सपोर्टिव देख रहे हैं, यानी कि स्टाफ एजेंसी जो थिंक टैंक है उसको कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। वो बोलते हैं कि ये केवल हेल्प करने के लिए है, जो भी हेड है उसको हेल्प करने के लिए है, और अथॉरिटी जो होना चाहिए वो सेंट्रलाइज होना चाहिए। ठीक है, तो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, वो लाइन को अथॉरिटी देने की बात कर रहे हैं, जो भी हेड है उसको अथॉरिटी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये एज ए सपोर्टिव ग्रुप में काम कर रहा है। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि जो लाइन एजेंसी है और जो स्टाफ एजेंसी है, ये दोनों में इनका व्यू जो है टेलर का ये अलग अलग है और फ्यूल का ये डिफरेंसेज है। चलते हैं आगे, अभी देखते हैं टेलर के क्रिटिक के बारे में। जो क्रिटिसिज्म है उसमें सबसे पहला क्रिटिसिज्म है पीटर ड्रकर का। पीटर ड्रकर ने सबको क्रिटिसाइज किया है, जितने भी ऑथर हैं सबको क्रिटिसाइज किया गया है। तो उसमें बोलते हैं कि सबसे पहले ये एक मैकेनिस्टिक मॉडल है, ये आप हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि ये मैकेनिस्टिक मॉडल है, और ये बोलते हैं कि ये छोटे से बिजनेस के लिए, लिविंग बिजनेस के लिए ये एप्लीकेबल है, ना कि एक यूनिवर्सल बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पीटर ड्रकर कहते हैं कि जो आदमी काम किया है जो माइनिंग फर्म में, वहां से ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपने जो आइडिया निकाला है, हो सकता है वो आइडिया जो है नॉन ऑर्गेनाइजेशनल सेक्टर में काम ना करे। नॉन ऑर्गेनाइजेशनल सेक्टर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ज्यादा डायनेमिक होते हैं, तो इससे इफिशियंसी उसमें आएगी नहीं और फेयर के प्रिंसिपल वहां सक्सेसफुल नहीं होंगे। वो एक माइनिंग फर्म में या स्मॉल बिजनेसेस के लिए ही एप्लीकेबल है, वहीं सक्सेसफुल होते हैं। पहला क्रिटिसिज्म है पीटर ड्रकर का। दूसरा है जो फंक्शनल अप्रोच है इनका, ये काफी सिंपल है। ठीक है, और जिसकी एम्पेरिकली इट इज डिफिशियंट, कहने का मतलब कि इसको हर जगह उपयोग नहीं किया जा सकता। एम्पेरिकल क्या होता है? जो फैक्ट बेस्ड हो और हर जगह एप्लीकेबल हो। ठीक है, तो इनके जो फंक्शन है उसमें बहुत ज्यादा एक तरह से ओवरलैपिंग है। ठीक है, जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको कमर्शियल फंक्शन देखने को नहीं मिलेगी। जैसे ये POCCC बताया ना, उसमें आप बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे पहले बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग ये है, फाइनेंशियल फंक्शन है, अकाउंटिंग फंक्शन है, लेकिन वो डिफिशियंट है इस मामले में कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये फंक्शन आपको देखने को मिलते नहीं है। जैसे कि कमर्शियल फंक्शन आपको NGO, सोशल सर्विस, ये सारे जगह पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगला है यूनिटी ऑफ कमांड पे एक्सेसिव फोकस है। अब यूनिटी ऑफ कमांड पे आप फोकस ज्यादा देंगे तो ये लीड करेगा लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन में। ठीक है, अब लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन इससे कैसे रिलेटेड है ये देखिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जर्नलिस्ट भी काम करते हैं और स्पेशलिस्ट भी काम करते हैं। जर्नलिस्ट क्या है? जर्नलिस्ट कहने का मतलब जैसे आपके IAS जर्नलिस्ट हुए, और स्पेशलिस्ट क्या हुए? जैसे कि आपका IAS हो गया, जिसको स्पेशल नॉलेज है किसी फील्ड का। ठीक है, तो हर जगह आपको दिखती है ड्यूअल हायरार्की। आपको देखिएगा कि जो स्पेशलिस्ट, जो मान लीजिए स्टाफ एजेंसी का है, जो लाइन एजेंसी का है, उन दोनों में आपको ड्यूअल हायरार्की देखने को मिलेगी किसी भी चीज में। ठीक है, तो आपको ड्यूलिटी ऑफ कमांड भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में आपको स्पेशलिस्ट भी मिलेंगे और जर्नलिस्ट भी मिलेंगे। स्पेशलिस्ट का अपना अलग स्केलर चेन होगा, जर्नलिस्ट के नीचे अपना स्केलर चेन अलग अलग होगा, इसलिए आपको ड्यूअल हायरार्की देखने को मिलेगी। अब देखिए, इन जो भी स्पेशलिस्ट ग्रुप है और जो भी जर्नलिस्ट ग्रुप है, या लाइन मान लीजिए स्टाफ मान लीजिए, किसी दोनों को जो चीफ एग्जीक्यूटिव एक ही होगा, जो दोनों जो लाइन जो स्पेशलिस्ट है और जर्नलिस्ट है, इन दोनों रिपोर्ट करेंगे किसी एक को ही, यानी यूनिटी ऑफ कमांड होगा, कोई एक को ही रिपोर्ट करेंगे दोनों। तो देखिए, अगर कोई डिसीजन, कोई स्पेशलिस्ट डिसीजन है, अगर जर्नलिस्ट बैठा हुआ है टॉप पर, तो वो कैसे ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। इसीलिए एक तरह से स्पेशलाइजेशन पे यहाँ पे कमी भी दिखता है। आगे जैसे बताते हैं कि रोल ऑफ स्पेशलिस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है, हर फील्ड में स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, जो इंजीनियरिंग है या उस तरीके से जो सिस्टम बेस्ड, या एक तरह से कहिए कि चीजें हो रही हैं स्पेशलिस्ट बेस्ड पे चीजें, जैसे IT के क्षेत्र में उस तरह के लोग जाएंगे। ठीक है, जैसे कंप्यूटर, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब बढ़ावा दे रहा है, तो इस तरह से जो पोस्ट हैं गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में वो भी ज्यादा स्पेशलिस्ट नेचर के होते जा रहे हैं, लेकिन उनका स्कोप ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो टॉप पे बैठा आदमी है वो हमेशा एक तरह का आपको जर्नलिस्ट ही देखने को मिलेगा। जितने भी एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये सब IAS IPS वाले ही मिलेंगे, तो इसमें आपको एक तरह से देखने को नहीं मिलता है, स्पेशलिस्ट देखने को नहीं मिलते। तो इससे क्या होता है, उनका डीमोटिवेशन होता है और वो सर्विस को जो क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ये किसके चलते हो रहा है सब,
ये यूनिटी ऑफ कमांड, एक्सेसिव यूनिटी ऑफ कमांड है, जिसलिए एक जर्नलिस्ट ही टॉप पर बैठा है और स्पेशलिस्ट जर्नलिस्ट उसी से ऑर्डर ले रहे हैं, तो वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज नहीं है। तो इसीलिए कभी कभी कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आता है कि नहीं, जो हम स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उसका अलग होना चाहिए, हायरार्की भी अलग होना चाहिए, वो खुद से डिसीजन लेना चाहिए उसको। ये था तीसरा क्रिटिसिज्म, यानी कि एक्सेसिव यूनिटी ऑफ कमांड से लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन होगा। अगला जो बोलते हैं कि जो फ्यूल के आइडिया है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो एक तरफ से सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक्यूटी, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पिरिट डी क्रॉप्स की बात करते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से इनिशिएटिव की बात करते हैं, तो एक दूसरे से ये मेल नहीं खाते। इनिशिएटिव क्या है, मतलब खुद से आप अपना डेवलप करो, खुद से एक तरह से इनिशिएटिव डेवलप करो, एक तरह से क्रिएटिविटी खुद से डेवलप करना। जबकि सेंट्रलाइजेशन क्या कहता है कि जो भी आप कमांड लेंगे वो हायर लेवल से लेंगे, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। अब सेंट्रलाइजेशन और इनिशिएटिव आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। उसके बाद ये जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं फेल, उसमें सब में सूट लगा रहे हैं और आउट लगा रहे हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इससे क्या पता चलता है कि इसके प्रिंसिपल में लैक ऑफ क्लैरिटी है, यानी फर्मनेस नहीं है इसके प्रिंसिपल में, ठीक है। अगला क्रिटिसिज्म है कि इन्होंने निगेट किया सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को, यानी कि जो भी डीह्यूमनाइजिंग थ्योरी जो है उसी को ये दोबारा बोल रहा है कि ये ह्यूमन फैक्टर को इन्होंने नेगलेक्ट किया है। यानी कि ये मार्च एंड साइमन है, ये क्रिटिसाइज करेंगे सारे क्लासिकल थ्योरिस्ट को। ये बोलते हैं कि ये एक तरह का फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। फिजियोलॉजिकल का मतलब कहने का क्या होता है कि जो बॉडी पे कंसंट्रेट करे, आपके माइंड पे कंसंट्रेट नहीं करे, तो ये फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है। ये इसमें एम्पैथी और सिंपैथी की सेंसिटिविटी की कमी है टुवर्ड्स वर्कर और ह्यूमन बीइंग। तो ये सारे क्रिटिसिज्म हुए, हर राइटर के कोई ना कोई क्रिटिसिज्म होते हैं। इस तरह से हमारा हेनरी फ्यूल खत्म हो गया होगा। मैं कुछ ज़्यादा इलेबरेट करके समझा रहा हूँ, आप हो सकता है तो 1.5x या 2x की स्पीड से देख सकते हैं, लेकिन क्या है ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो ये जरूरी था। तो चलते हैं अगला, देखेंगे हम लोग गुलिक और उर्विक, यहाँ पर लेसन एंड करते हैं। धन्यवाद।